हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने लेटेस्ट ट्रिप लेह लद्दाख के एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रही हूँ। लेह लद्दाख हमारा अनप्लान ट्रिप था। निखिल और मैंने हैप्पी इजी को सेल के दौरान अपने फ्लाइट टिकट्स बुक किए थे, ये सोचकर कि जाने को मिल गया तो चले जाएंगे। इट वॉज जस्ट अ रिस्क ऑफ 7,000 रुपीज इंक्लूडिंग टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रैल 15 गुड फ्राइडे। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि लेह में ऑक्सीजन कम होने की वजह से काफ़ी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसके लिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि पहले दिन हम लोकल साइट सीन या होटल में रुक के अपने आप को एडजस्ट करें। तो हमारा डे वन की आइटिनरी में मोस्टली लोकल साइट सीन ही इंक्लूड होते हैं। हम दोनों की ही अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो हम पहुंचने के बाद अपने होटल में ब्रेकफास्ट करके सो गए थे, जो कि मुझे राइट डिसीजन लगा, एज हम दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी वहां कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। पहले दिन हमने ले मार्केट, शांति स्टोर एंड ले पैलेस को कवर किया। ले मार्केट बहुत ही सुंदर एंड कलरफुल है। ले में नॉर्मली आप कहीं भी खड़े हो जाओ, वहाँ बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल जाता है एंड साथ ही सन टैनिंग भी हो जाती है। हम मिड ऑफ अप्रैल में गए थे तो बहुत ही ठंडा मौसम था। दिन में ठंडी हवा और रात में माइनस डिग्री में भी टेम्परेचर चला जाया करता था। लेह मार्केट में खाने के लिए आप नेहा रेस्टोरेंट एंड नेमा रसोई को ट्राई कर सकते हो। लेह में शेयरिंग टैक्सी नहीं चलती है, वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है। बेटर होता है कि आप 3 से 4 लोगों का ग्रुप बना लो और नुब्रा, पैंगोंग एंड अदर फेमस जगह के लिए कैब हायर कर लो।
स्तूप। स्तूप का अर्थ खंबा होता है जो बौद्ध की कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्तूप का निर्माण 1983 में परम पावन दलाई लामा के आदेश पर किया गया था। दलाई लामा ने आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा करने से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आम जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये स्थान लेह से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो लेह पैलेस के पास स्थित है। इस स्तूप के निर्माण का पूरा काम 1991 में पूरा किया गया था और जिसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो ने किया था। ले आने वाले पर्यटक इस स्थान तक जीप और टैक्सियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ले में आपको छोटे साइज के स्तूप जगह जगह पे देखने को मिल जाते हैं। माना जाता है कि बुद्धिस्ट लोग ये स्तूप किसी की याद में बनाते हैं एंड इसको मंत्रों से बांधा जाता है।
वीडियो एडिट करना इज अ पेन एंड टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं ले पैलेस विजिट का वीडियो कल बनाऊंगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू कम्प्लीट द यूट्यूब टारगेट। थैंक यू, गुड नाइट। Yeah.